you mm -hmm. नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 27 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज रविवार है मार्ग सूर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो शाम चार बज करके पच्चीस मिनट तक है और इसके पश्चात पंचमी है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर बारह बज करके अड़तीस मिनट तक है और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है गंड योग विष्टिकरण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे शाम छह बज के पांच मिनट तक और इसके पश्चात तो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के चौबीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के सात मिनट तक का होगा वहीं राहु काल शाम साढ़े चार बजे से छह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज दोपहर बारह बजकर के अड़तीस मिनट से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है और आज विनायक चतुर्थी भी है प्रिय दर्शकों दिव्य महाप्रयोग में आज सबसे पहले तो भुवन भास्कर की आराधना है रविवार को और साथ ही साथ चंद्रमा से संबंधित एक ज्योतिषीय सूत्र पर हम चर्चा भी करेंगे तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे और साथ ही साथ 2 दिसंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु मेष में है और मंगल वृषभ में वक्र अवस्था में केतु तुला में है तो वहीं बुध शुक्र और सूर्य ये तीन ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं शनिदेव का संचरण धनु में है चंद्रमा का संचरण धनु में है शनिदेव मकर में है और देव गुरु मीन में यह है ग्रह स्थिति आज चंद्रमा सायंकाल राशि परिवर्तन करके मकर में ही जाएंगे देव शनिदेव के साथ युति बनाकर के विश्वयोग का निर्माण करेंगे लेकिन दिन में गुरु और चंद्रमा के चौथे दसवें के संबंध से गजकेश्वरी योग का निर्माण हुआ है तो आज गोचर कुंडली में ये चंद्रमा धनुराशि में संचरण करते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सधे हुए कदमों के साथ ही आगे बढ़ना है सबसे जरूरी कौन सा उपाय है जिससे सप्ताह भर आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है ग्रहस्थिति इन्हीं स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नहीं दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशि फल को देख सकते हैं सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें दो दिसंबर दिन शुक्रवार गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि दस बज करके इकत्तीस मिनट से रात्रि बारह बजकर के पैंतालीस मिनट तक है जिन नव दंपत्तियों को कन्या संतति की चाहत है उनके लिए यह मुहूर्त मिल रहा है रात्रि दस इकतीस से रात्रि बारह बजकर के पैंतालीस मिनट तक प्रस्तुतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः सात पैंतीस से नौ बजकर के चालीस मिनट तक है नामकरण अन्न प्रासन वर वरण कन्यावरण वधु प्रवेश द्विरागमन दीक्षा ग्रहण व्यापार से संबंधित सभी कार्य नौकरी में ज्वाइनिंग करनी है तो उसके लिए भी और आवेदन पत्र ऑनलाइन लिखना हो या ऑफलाइन उसके लिए भी गृहारंभ का भी मुहूर्त है और नया और जीर्ण यानी पुराना दोनों ही घर से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं गृह प्रवेश का भी मुहूर्त जीर्ण गृह प्रवेश यानी यदि किसी पुराने घर में आपको गृहारंभ का मुहूर्त और जीर्ण गृह प्रवेश अर्थात पुराना कोई घर इत्यादि है कई बार अगर आप ज्योतिष को मानते हैं किराए के घर में ही रहते हैं फ्लैट किराए पर लेके रहते हैं तो भी ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो जीर्ण गृह प्रवेश का मुहूर्त है उसी गृह प्रवेश के मुहूर्त में उस घर में आप प्रवेश करिए तो उसका भी मुहूर्त वाहन क्रय करने के लिए और विक्रय करने के लिए कुल मिलाकर के इन सभी चीजों के लिए आपको मुहूर्त मिल रहा है दोपहर बारह बजकर के छप्पन मिनट से दोपहर दो, दो बजकर के चौबीस मिनट तक या ये दोपहर ग्यारह बजकर के पच्चीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के छप्पन मिनट तक ये सारे कार्य आपको करने हैं और इस सभी कार्यों को जिनके लिए जिनकी जिस कार्य की जो आवश्यकता हो जैसी आवश्यकता हो आप उस कार्य को नोट कर लीजिए या इस समय को नोट कर लीजिए और अपने इसी समय में अपना वो कार्य पूरा करिएगा प्रिय दर्शकों हम जन्म कुंडली में राजयोग की तलाश करते हैं जन्म कुंडली में जब कोई राजयोग बना हुआ हो तो जातक के जीवन में उस राजयोग के प्रभाव से उसका जीवन सुखद होता ही है काफी वो सुखद जीवन व्यतीत करता है लेकिन एक बात मैंने पूर्व में भी बताई थी इस बात को फिर से नोट कराता हूं कि जब आपका जन्म किसी विशेष वार या विशेष ऐसे दिनों में जब किसी महापुरुष का जन्म हुआ हो जैसे ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ हैं वो ये एक मत इस बात को मानते हैं कि मध्य दिवस और मध्य रात्रि दिन में जो दोपहर का समय होता है और रात्रि में जो मध्य रात्रि बारह बजे का समय है इन दोनों ही काल में यदि किसी का जन्म हो रहा हो तो जन्म कुंडली के कुछ दोषों का समन तो ऐसे ही हो जाता है क्योंकि भगवान राम और कृष्ण का जन्म इसी समय में हुआ था तो यह समय अपने आप में विशेष बन गया है वैसे ही किसी यदि संत या किसी विशेष तिथि दिवस मुहूर्त इत्यादि पर जब आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह योग कमजोर भी हो तो उस समय विशेष के प्रभाव से उसको फायदा मिलता है वैसे ही एक योग है त्रिपुष्कर योग जिसकी चर्चा में जब वो मिलता है तो आपको कभी कभार बताता रहता हूं तो त्रिपुष्कर योग में भी यदि बच्चे का जन्म हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है इस समय में भी जन्मा जातक अपने जीवन में बहुत सुखद स्थिति को पाता है प्रिय दर्शकों वही एक और तथ्य है चंद्रमा जिसकी मैंने कितनी चर्चाएं की हैं अब ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है कि अगर वो किसी अच्छे नक्षत्र में हो किसी अच्छे बल से युक्त हो विशेष करके चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो और बलि हो शुक्ल पक्ष में भी अष्टमी नवमी के बाद का चंद्रमा तो ऐसा चंद्रमा विशेष बलि हो जाता है और जैसे जैसे चंद्रमा में बल आता है याद रखिए कि किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित न हो शुभ ग्रह से युक्त हो और द्वादशी त्रयोदशी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो तो यह अपने आप में ही महान राजयोग है फिर अब मान लिया जाए कि ऐसे जातक की जन्म कुंडली में और कोई भयानक दुर्योग लगा हुआ हो अब भयानक दुर्योग की चर्चा कर लीजिए भयानक दुर्योग में तो केमद्रुम ही होता है विषयोग ही होता है लेकिन चंद्रमा को बाहर रख करके कोई दुर्योग और लगा हुआ हो

में मकर कर्क में आता है ये चंद्रमा का चंद्रमा की ही राशि है अश्विनी मेष राशि और कृतिका वृषभ राशि तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो कृतिका में चंद्रमा उच्च के ही होते हैं ऐसे चंद्रमा यदि बलवान हो और साथ ही साथ बलवान बलवान कब होंगे जब पक्ष बल उनको मिलेगा और साथ ही साथ ऐसे चंद्रमा यदि वर्गोत्तमी हो जाए तो ज्योतिष तो शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है कि फिर जन्म कुंडली के बाकी के दुर्योगों का ऐसे जन्म कुंडली में यदि 100 दो सौ दोष भी हों यहां पर एक बार मैंने गुरु के लिए भी ऐसे सूत्र का इस्तेमाल करके आपको बताया था कि दो सौ दोषों का समन कर देते हैं अब दो सौ दोषों का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब यह है कि जन्म कुंडली के अधिकाधिक दोष केवल इसी चंद्रमा से समाप्त हो जाएंगे यानी चंद्रमा के मात्र बलि होने भर से ये सारे दुर्योग शांत हो जाएंगे तो अगर किसी भी जन्म कुंडली में अच्छा अब चंद्रमा को जब आप देखते हैं तो जन्मांक और नौमांस दोनों में देखने का प्रयत्न करिए कि नौमांस में भी चंद्रमा कितना बलि है कहीं वो पीड़ित तो नहीं हो रहा जन्मांक में पीड़ित नहीं पर नवमांस में पीड़ित है तब भी उसका प्रभाव मिल जाता है लेकिन ये दोनों ही स्थितियों में देखिए कम से कम जन्मांक में भी यदि चंद्रमा ऐसी स्थिति में आपको मिले कि पीड़ित नहीं है तो आप ऐसे जन्म कुंडली का फलकथन करते समय कह सकते हैं कि ठीक है ग्रह स्थितियों के कारण आपको मानसिक का अशांति या किसी और तरह की परेशानी आएगी लेकिन फिर भी आप हर तरह की समस्या में अडिग हैं और आप सफल भी होंगे क्योंकि आपका मन बहुत मजबूत है स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र पात्र में जल लेकर आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए हाथ जोड़कर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए अपने गुरु का ध्यान करिए तत्पश्चात त्रिराचम्य तीन बार आचमन करना है हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए अपने ऊपर जल छिड़किए आसन पर जल छिड़किए और फिर एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं आप आज्ञा क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए बाएं हाथ से जल को ढकिए तीन बार गायत्री मंत्र पढ़िए आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित है प्राणायाम करना है आपको रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है हर किसी को करना है वैसे तो रोगी बाल वृद्ध के लिए चीजें छूट में होती हैं लेकिन मैं सलाह देता हूं कि कोई व्यक्ति वृद्ध है रोगी है प्राणायाम का प्रयास करे अब जिसको श्वास रोग हो तो वो कहां से प्राणायाम कर सकेगा पर फिर भी जो भी आपसे हो सके इससे स्वास्थ्य में चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा तो प्राणायाम आप करिए जो मेरे नए दर्शक हैं जो प्राणायाम की विधि नहीं जानते वो इस लिंक पर आइए प्राणायाम कैसे करना है उसका वीडियो मैंने बना करके आपके लिए डाला हुआ है इसी विधि से प्राणायाम करिए और यदि आप फेसबुक पर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के वीडियो का जो लिंक अभी अभी मैंने शेयर किया है आपको वहां दिखाई नहीं पड़ेगा उसके लिए आपको यूट्यूब पर आकर के इस राशिफल को देखना पड़ेगा प्राणायाम आपने कर लिया प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन मनी, मनी ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं कायिक वाचिक मानसिक वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई और फेंक दीजिए हाथ धो करके जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए भुवन भास्कर को प्रदान करिए एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके तीन बार एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जब करिए ग्यारह इक्कीस इक्यावन एक सौ आठ जितना आपसे हो सके सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी तो भुवन भास्कर की आराधना से अभी तक किसी भी कारण से आप वंचित हैं अब कोई मतलब नहीं बनता भुवन भास्कर की आराधना तो हर किसी को करनी है चलिए चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है दसम में रात्रि में प्रवेश करेंगे लेकिन अगर नवम की बात करें तो ये चंद्रमा आगे बढ़ने में आपके लिए सहयोगी ही सिद्ध होने वाले हैं कोई बड़ा मौका आपको अवश्य मिलेगा बल्कि कोई समस्या थी जिससे आप जूझ रहे थे बिल्कुल उन सभी लोगों के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ जो नौकरी में किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे वो सभी लोग जो सरकारी नौकरी में है और वो किसी तरह की परेशानी या समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए कि समस्या से बाहर निकलने का आपको अवसर अवश्य ही मिलेगा छुट्टी के बावजूद कोई ना कोई ऐसा आपके लिए उपयोगी व्यक्ति ऐसा हितकारी व्यक्ति आपका कोई उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है जिसके छुट्टी के बावजूद वो आपको फोन करके ढाढ़स बंधाए सांत्वना दे यानी चिंता ऐसी है तो दूर होगी व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापार में मेहनत थोड़ी अधिक रहने वाली है लाभ में ज़रूर थोड़ी कमी आएगी पर ठीक है इनकम में कहीं कोई कमी नहीं किसी तरह के कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी आज मेष राशि के जातक एक मूल बात ध्यान में रखें कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है तो जरा सचेत रहिए और प्रयास करिए कि, कि किसी भी तरह के वाद विवाद से आज आपको दूर रहना है वाद विवाद को अपने आप से दूर ही रहिए रखिए विद्यार्थियों की बात करूं तो नोट्स इत्यादि तैयार करने के लिए दिन बढ़िया है मित्रों से राय लेकर के भी यदि आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में किसी भी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जैसे थकान आलस्य किसी भी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी लकी अंक नौ लकी कलर आप लिया आज पर्पल है और आज एक ही उपाय करना है क्या करना है तो भुवन भास्कर कौर भी प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है देखिए अष्टम का भी चंद्रमा आपको कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा बस इतना ही ध्यान रखना है कि घरेलू कोई उलझन कोई विवाद विशेष रूप से खड़ा ना हो परिवार का साथ आपको मिलेगा दिन अच्छा ही बीतने वाला है नौकरी पेशा अगर आप हैं तो छुट्टी के बावजूद आज कुछ ना कुछ वर्क आपको घर पे भी बैठ करके पूरा करना पड़ेगा यात्रा का कार्यक्रम आपने बना रखा है यात्रा आप कर रहे हैं तो उसकी तैयारी पूर्व से ही आपको कर लेनी चाहिए और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतया मैं ठीक कह रहा हूं हालांकि आज फिजूल खर्ची से वृषभ राशि के जातक बचने का ही प्रयत्न करें आज जो सबसे बड़ा मूल मंत्र रहेगा आपके लिए किसी से बहस मत करिए चाहे वो घर का एक छोटा सदस्य ही क्यों ना हो प्रेमियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को परेशानी आज ज्यादा होने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है जो हार्ट पेशेंट है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें पांच लकी कलर आपके लिए आज लाल है भुवन भास्कर को घे प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी मिथुन के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आज आपकी राशि से सप्तम में होना आज आपके जीवन साथी को आपसे शिकायत रहने वाली है क्योंकि आप उनको अपना पूरा समय नहीं दे पाएंगे छुट्टी के बावजूद किसी ना किसी उलझन को सुलझाने में ही आज आपका दिन निकलने वाला है वाद विवाद से आपको बच के रहने का प्रयत्न करना है यह वाद विवाद संभव है कि आप घर में भी कर लें तो वाद विवाद से पूरी तरह से बचना है जीवन साथी का कोई की कोई बात कोई शब्द आपको चुभ सकता है एक सबसे जरूरी बात आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आपको संभल करके रहने की आवश्यकता है किसी भी प्रकार के विवाद से आज, आज आपको बच के रहना है वाहन चलाते समय भी बेहद सावधानी रखनी है और घर से बाहर भी एक समस्या खड़ी है कि आज किसी से विवाद या मतभेद हो सकता है विवाद बढ़ भी सकता है तो सचेत रहिए घर में है तो सचेत घर से बाहर है तो सचेत आज सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम ही लगने वाला है दिन अच्छा नहीं आपका और स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है आपको चोट चपेट की घटना और जीवन साथी को हड्डियों से संबंधित परेशानी लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज ष्ठ में होना आज विचारों का आदान प्रदान निरंतर या यूं कहें कि विचारों का संचार मन में चलता ही रहेगा करियर पर ध्यान देने के लिए अच्छा समय है परिवार का भी साथ मिलेगा परिवार के साथ अगर कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं यदि किसी समस्या से जूझ रहे थे या आने वाले दिनों की चिंता को लेकर के चिंतित थे तो चिंता दूर होगी घर परिवार का आपको साथ मिलने वाला है घर परिवार से संबंधित या पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी विवाद से जूझ रहे थे तो आपको शांति मिलेगी व्यापारियों के लिए दिन को मैं शुभ कहूंगा कारोबार में दिन भर आज आपको सहयोग भी मिलता रहेगा सफलता भी मिलेगी और काम भी आपके कमोबेस देखा जाए तो पूर्ण होते ही दिखाई पड़ रहे हैं यदि किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन ठीक है प्रेमियों को आज जरा सचेत रहना है आज कर्क राशि के प्रेमियों के लिए दिन आपका ठीक नहीं है प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिएगा नहीं मुसीबत में पड़ेंगे जीवन साथी का आपको साथ जरूर मिलेगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको सहयोग मिलने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है जिनको पहले से ही जोड़ों के दर्द से संबंधित या हड्डियों से संबंधित परेशानी थी उनकी परेशानी आज बढ़ने वाली है और जिनको कफ जनि रोग की शिकायत रहती है उनकी भी परेशानी आज बढ़ सकती है लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज काला है और भुवन भास्कर कौर्ग प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी शुभ के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है शांति से निकालने की कोशिश करिए और दिन आपका हर तरह से बढ़िया ही व्यतीत होता दिख रहा है पारिवारिक यदि कोई मसला है कोई परेशानी है तो उससे आपको राहत मिलेगी मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है काम में मन लगा रहेगा और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं व्यापार में किसी परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं कर सकते हैं व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस लाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए दिन बढ़िया है परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनकी कही बात को मानिए और जहां भी रहिए बात मूल रूप से ध्यान रखिए कि संबंध को मधुर बनाने की ही कोशिश करनी है कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है सो सफलता आपको मिलने वाली है विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को भी सफलता देने वाला है दिन और स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है खान पर नियंत्रण रखिएगा और मसालेदार भोजन से बाहर के भोजन से द्यपान मांसाहार से भी दूरी बना करके रखिएगा लकी अंक तीन लकी कलर आपके आज पिंक है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी कन्या के जातकों की बात करूं तो मेहनत भरा है दिन लेकिन प्रतिफल कोई बहुत अच्छा है मैं ऐसा नहीं कह सकता चिंता रहेगी एक परेशानी जाए नहीं कि दूसरी आएगी मेहनत का भी जो फल मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है घर परिवार की चिंता सताने वाली है कोई बड़ी खरीदारी करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है तो ही व्यापारियों को व्यापार में अचानक कोई ऐसी स्थिति देखनी पड़ सकती है जिसे हम धन हानि कहें क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए अति उत्तेजना या क्रोध में आकर के आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आपके लिए बाद में पछतावे का कारण बने संबंध अगर कहीं मजबूत रखना चाहते हैं तो आज क्रोध और अनबन की स्थिति को जितना हो सके दूर करने का प्रयत्न करिएगा विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज टेंशन भरा रहने वाला है दिन और स्वास्थ्य को लेकर के तो सचेत रहना ही है पेट से संबंधित परेशानी की भी संभावना है और माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए पिता के स्वास्थ्य में जैसे मधुमेह या ब्लड प्रेशर इत्यादि की उनको शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए लखी अंकाठ लकी कलर आप या सिंदूरी है भुवन भास्कर को क्वर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी तो वहीं तुला के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है प्रयत्न अपने कम मत होने दीजिए और लाभ कम नहीं होगा समस्याएं एक के बाद एक खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है यूं समझ लीजिए कि सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए आपके ज्यादातर फैसले बिल्कुल सही होते दिखाई पड़ रहे हैं घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा समझ लीजिए कि खुशी आपको मिलेगी भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना आपके मन में है भविष्य में निवेश की यदि कोई योजना है उस योजना पर काम करिए और व्यापारियों के लिए ब्याज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा व्यापार में लाभ की स्थिति रहने वाली है तुला राशि के जातकों के लिए मूल मंत्र है आज का दिन व्यर्थ बर्बाद न करें और प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध में सुधार दिखाई पड़ रहा है यदि परेशानी थी परेशानी दूर होगी प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश आपको करनी होगी आप इसे समझने में सफल भी रहेंगे और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उसके लिए दिन उनके लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही लकी अंक एक और लकी कलर आपके आज के शरिया है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब पर प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी वृश्चिक जातकों की बात करूं तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा दिन बेहद शुभ है और शुभ संदेश लेकर के ही आ रहा है एक नया जोश नई उमंग घर परिवार से जुड़ी यदि कोई समस्या थी पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी वो परेशानी वो समस्या वो उलझन दूर होने वाली है एक नई शुरुआत दिखाई पड़ रही है समय का आनंद लीजिए और संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाइए आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है व्यापार में सावधानी से आप काम करते चले जाइए आपको फायदा मिलेगा कामकाज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं दिन अच्छा है किसी भी तरह की नकारात्मकता को आज खुद पर हावी न होने दें तो ही प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं और विद्यार्थियों की बात करी जाए तो दिन अच्छा रहने वाला है मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी लेकिन हां सफलता के दृष्टिकोण से दिन कहीं भी कमजोर दिखाई नहीं पड़ रहा है परिवार के मध्य विशेष करके यदि कोई बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा किसी बुजुर्ग के साथ आज शांत हो सकता है डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़े लकी अंक आपके लिए आज आठ है और लकी कलर आपके लिए भास्कर, गायत्री मंत्र का जो पर प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा प्रयोग से आपको प्राप्त होगी धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपका आपकी राशि पर होना बेहद सकारात्मक है दिन ऊर्जावान है फलतः क्रोध भी अधिक आएगा इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आज आपके सम्मी टिक नहीं पाएगा यहां तक कि परेशानियां भी नहीं समस्याएं आएंगी भी तो आपसे टकरा करके आज दूर ही हट जाने वाली है परिवार का साथ भी अच्छा मिलेगा कोई बड़ी खरीदारी आप करने वाले हैं ऐसा मूड आपका बना हुआ है आज करेंगे छुट्टी के बावजूद कामकाज भी आज करेंगे यानी कुल मिलाकर के आज दिन केवल व्यस्त नहीं है सुव्यवस्थित है और व्यस्त है यानी हर काम को आप समय देंगे और हर कार्य कायदे से करेंगे व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा लेन देन के मामले में आज के दिन को आप इस्तेमाल करिए और कहीं लेन देन करना है तो करिए परंतु हाँ बिना विचारे किसी पर कोई टीका टिप्पणी या अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए नहीं मुसीबत में पड़ेंगे प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतया ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी का साथ मिलेगा दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल सुखद स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों को मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन उतना ही बढ़िया है स्वास्थ्य में परेशानी है आज कुछ धनु राशि के जातकों को बुखार की शिकायत सिर दर्द की शिकायत हो सकती है कुछ लोगों को हड्डियों के दर्द से भी परेशानी होगी लकी अंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज सफेद है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और मकर के जातकों की बात करूं तो अत्यधिक लाभ के चक्कर में धन हानि करेंगे कोई ना कोई चिंता होने वाली है परिवार के मध्य भी मतभेद की संभावना है व्यस्तता वैसे तो दिनभर दिखाई पड़ रही है परंतु लाभ थोड़ा कम अपने आप को समय दीजिए व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा व्यापार में छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं करना है और बिना विचारे कोई वादा नहीं करना लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा जितना हो सके जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए कुछ उलझन है कोई परेशानी है तो जीवन साथी के साथ बातचीत करके उस उलझन को दूर करने का प्रयत्न करिए प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है और मेहनत का समुचित परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा कमर दर्द की शिकायत

तो वहां भी बात बनती दिखाई पड़ रही है नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर देखें तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है पदोन्नति के संकेत अब तो वैसे छुट्टी का दिन है लेकिन शीघ्र ही सारी स्थितियां बनती दिखाई पड़ रही है व्यापारियों के लिए आज के दिन को बेहद सुखद कहा जाएगा जो भी आपके अधूरे काम थे वो एक एक करके सब पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं स्थायी कोई बड़ा फैसला करना है तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है मन की बात वैसे तो हर किसी से शेयर नहीं करनी परंतु मन में किसी बात को लेकर के घुटन है तो उसमें मन में उसे मन में रखने की भी आवश्यकता नहीं सामने वाले से शेयर कर सकते हैं प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा प्रेम संबंध में भी दिन ठीक दिखाई पड़ और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको सफलता प्रदान कराने वाला है मित्रों से भी मदद मिलेगी यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन ठीक है जिनको ब्लड प्रेशर की गंभीर समस्या है उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी या किसी पुराने रोग से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी लकी अंक आपके लिए आज चार लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू भुवन भास्कर वर्ग कर प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा जितने भी आपके सोचे हुए जरूरी काम थे वो सब एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं जो भी काम आज आप शुरू करेंगे जिसके लिए आप मेहनत करेंगे समझ लीजिए वो सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं वक्त आपके पक्ष में है इसका आपको लाभ उठाना चाहिए यूं समझ लीजिए कि अपने कार्य के लिए शीघ्र ही आप पुरस्कृत होंगे सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच बनाकर के आगे बढ़ते चले जाइए व्यापारियों के लिए आज के दिन को बेहद शुभ कहा जाएगा ऐसे बड़े अच्छे संकेत मिल रहे हैं बड़े कार्यों की योजना बनने वाली है बस आज संकोच में नहीं पड़ना संकोच में पढ़कर यदि कोई काम करेंगे तो निसंदेह आपको नुकसान हो जाएगा संकोच में पढ़कर के ना कोई कार्य करी ना कार्य करने की हामी भरिए प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं आपके बहुत बढ़िया देख रहा हूं जीवन साथी का साथ मिलेगा माता पिता का साथ मिलेगा माता पिता के साथ संबंधों में यदि कोई अनबन या परेशानी आ गई थी तो वो दूर होगी और जितने भी आई फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा सीने में दर्द की तकलीफ हो सकती है यह जलन की शिकायत लकी अंक आपके लिए नौ लकी कलर आपके लिए आज भास्कर प्रदान करिए गायत्री मंत्र का और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो तो प्रिय दर्शकों यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात हो तब तक के लिए नमस्कार